हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और टेक मॉनिटर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया नोकिया 6 को ऐसे माहौल में जहां पे रेडमी नोट 5 प्रो ने अपना साम्राज्य फैला के रखा हुआ है। दोस्तों, ये बात भी सच है कि ये फ़ोन किसी को मिलता नहीं है और फिलहाल ये रिटेल स्टोर्स की शोभा बढ़ा रहा है। दोस्तों, ऐसे में अगर आपके मन में डाउट है कि आपको अगले फ्लैश सेल में रेडमी नोट 5 प्रो के लिए ट्राई करना चाहिए या फिर आपको लेना चाहिए नोकिया 6, तो ऐसे में आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन्स का और पता करेंगे कि यहाँ पे आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेहतर रहेगा। दोस्तों, आगे चल के अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। दोस्तों, नोकिया 6 को बनाया गया सिंगल ब्लॉक एल्यूमिनियम से और ये दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम है और काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे दी गई है। दोस्तों, डिजाइन के मामले में रेडमी नोट 5 प्रो भी पीछे नहीं है, लेकिन यहाँ पे बीच का जो पार्ट है उसे मेटल से बनाया गया और ऊपर नीचे एंटीना बैंड्स को यहाँ पे प्लास्टिक से बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे डिजाइन को लेकर सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है। मुझे यहाँ पे नोकिया 6 का डिजाइन बेटर लगा है और बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं नोकिया 6 का बेटर है। दोस्तों, अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो नोकिया 6 में सामने की तरफ दिया गया 5.5 इंच की स्क्रीन फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया गया और ये पुराने 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। वहीं पे Redmi Note 5 Pro में दिया गया 5.99 इंच की स्क्रीन फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। 2.5D कर्व ग्लास यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया, लेकिन वर्शन कौन सा इसे यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में एकदम बराबर है, लेकिन यहाँ पे आपको Redmi Note 5 Pro ज्यादा बेटर लगने वाला है क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले, जो कि मॉडर्न है, लेटेस्ट है और आज के डेट के हिसाब से अप टू डेट है। दोस्तों, अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में दिया गया स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, यहाँ पे नोकिया 6 में दिया गया 630 और रेडमी नोट 5 प्रो में दिया गया 636। दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर काफी अच्छे से परफॉर्म करने वाले, डे टू डे परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पे रेडमी नोट 5 का प्रोसेसर थोड़ा बेटर यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों, अगर हम बात करें कैमरास की तो यहाँ पे नोकिया 6 में दिया गया सिंगल कैमरा 16 मेगापिक्सल का और रेडमी नोट 5 प्रो में दिया गया डुअल कैमरा 12+5 मेगापिक्सल का। दोस्तों, यहाँ पे नोकिया 6 का 16 मेगापिक्सल का कैमरा बेटर परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया कास्ट GS का ऑप्टिक और यहाँ पे जो एपर्चर रखा गया वो है 2.0 और यहाँ पे जो पिक्सल साइज है वो है 1 माइक्रोन का। वहीं पे Redmi Note 5 Pro में जो पहला सेंसर है 12 मेगापिक्सल का, इसका एपर्चर है f2.2 और यहाँ पे जो पिक्सल साइज है वो है 1.25 माइक्रोन की। तो यहाँ पे चाहे डे लाइट हो, आर्टिफिशियल लाइट हो या फिर लो लाइट हो, तीनों कंडीशन में यहाँ पे नोकिया 6 का कैमरा बेटर परफॉर्म करने वाला है इसके एपर्चर के वजह से और इसके पिक्सल साइज के वजह से। इसके अलावा दोस्तों, नोकिया 6 में दिया गया 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट, जो कि Redmi Note 5 Pro में मिसिंग है, लेकिन Redmi Note 5 Pro में आप 1080p में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको EIS का सपोर्ट मिलता है जो Nokia 6 में यहां पे मिसिंग है। पोर्ट्रेट मोड आप यहां पे दोनों स्मार्टफोन से ले पाओगे, लेकिन यहां पे Redmi Note 5 Pro का पोर्ट्रेट मोड थोड़ा बेटर होने वाला है, क्योंकि यहां पे आपको सेकेंडरी कैमरा दिया गया 5 मेगापिक्सल का जो पिक्चर में डेप्थ को सेंस करता है। और वहीं पे अगर हम बात करें सेल्फी कैमरास की तो यहां पे Redmi Note 5 Pro में दिया गया 20 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका एपर्चर f2.2 और Nokia 6 में दिया गया 8 मेगापिक्सल कैमरा जिसका एपर्चर है f2.0। तो यहाँ पे सेल्फी कैमरा के मामले में Redmi Note 5 Pro थोड़ा लीड लेता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, Nokia 6 में दिया गया 3000mAh की बैटरी माइक्रो USB-C टाइप के साथ ये आएगा और वहीं पे Redmi Note 5 Pro में दिया गया 4000 की बैटरी और ये माइक्रो USB 2.0 के साथ आता है। तो बैटरी परफॉर्मेंस यहाँ पे Redmi Note 5 Pro का बेटर रहने वाला है, प्लस ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। दोस्तों, नोकिया 6 आता है ऑटोबॉक एंड्रॉइड ओरियो के साथ, यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलने वाला है और ये एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे आपको जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स है वो बहुत ही जल्दी से मिल जाएगा। और वहीं पे Redmi Note 5 Pro ऑटोबॉक्स आता है एंड्रॉइड नोगट के साथ और यहाँ पे भी आपको एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कस्टम UI दिया गया जो है MIUI 9। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर को लेकर सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है। दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन
में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर के अलावा बाकी सारे सेंसर्स मिल जाएगा, लेकिन Redmi Note 5 Pro में यहाँ पे आपको एडिशनली फायर ब्लास्टर का सपोर्ट भी मिलता है। दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहाँ पे डुअल सिम सपोर्ट के साथ आते हैं, हाइब्रिड सिम स्लॉट यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं रैम, स्टोरेज और प्राइस की। तो यहाँ पे नोकिया 6 आता है 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ, जिसकी प्राइस रखी गई है 17,000 रुपए। और वहीं पे Redmi Note 5 Pro में दो वेरियंट आता है, जिसमें पहले में आपको मिलता है 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज, प्राइस रखी गई है 14,000 रुपए। अब इसमें एक और एक वेरियंट आता है जहाँ पे आपको 6GB की रैम दी गई है लेकिन स्टोरेज है 64GB और इसकी प्राइस रखी गई है 17,000 रुपए। तो दोस्तों नोकिया 6 कैसा है? तो मैं कहूंगा नोकिया 6 अच्छा है, लेकिन दोस्तों इसमें कम से कम अगर ये 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले दे देते हैं और इसकी प्राइस अगर ये 15,000 रुपए के अंदर लगाते हैं, तो ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जिन्हें यहाँ पे एक ब्रांडेड स्मार्टफोन चाहिए, नोकिया के स्मार्टफोन चाहिए, अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, अच्छे रेयर कैमरा चाहिए और स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस चाहिए। तो फिलहाल 17,000 इस स्मार्टफोन का थोड़ा ओवर प्राइस है, लेकिन किसी ना किसी सेल में या फिर किसी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के साथ जो ऑफर आते हैं कैशबैक के, उसके अंतर्गत अगर आप ट्राई करोगे थोड़ा वेट करके, तो हो सकता है ये स्मार्टफोन करीब 15,000 रुपए में आगे चल के आपको मिल जाए। तो आप ये मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप यहाँ पे आने वाले सेल में Redmi Note 5 Pro के लिए ट्राई करने वाले हैं या फिर आप सोच रहे हैं नोकिया 6 को लेने की ओपन सेल में या फिर ऑफलाइन स्टोर से। तो आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करिए, हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।